नमस्कार, स्वागत कर इंडिया न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की पहली खबर, सुशांत सिंह सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले पर रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा, सीबीआई जांच का सामना और सहयोग करेंगे रिया। आज की दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश के आगरा से हाईजेक हुई बस इटावा में बरामद हो गई। नया मोड़ तब आया जब पता चला हाईजेक नहीं हुई थी बस, 34 यात्रियों को उतार कर फाइनेंसर ले गया था बस। आज की तीसरी खबर, भारत को चीन से भिड़ा के अमेरिका कर रहा है चीन से दुगनी हवाई जहाज की यात्रा। चीन और अमेरिका दोनों से रहना होगा भारत को सतर्क। आज की चौथी खबर, पाकिस्तान के आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा रियाद गए थे, ना ही सऊदी अरब। अरब के क्राउन प्रिंस ने उनसे मिलने और साथ ही साथ उनके फिटनेस को भी खूब मजाक उड़ा रही है सोशल मीडिया। आज की पांचवी खबर, ऑनलाइन फार्मेसी में कड़ी टक्कर देगी रिलायंस। रिलायंस ने किया नेटमेट में 620 करोड़ का निवेश, सब कुछ ऑनलाइन बिजनेस। आज की छठी खबर, मॉरिशस में भारतीय कैप्टन सुनील कुमार नंदेश्वर गिरफ्तार। जापानी कार्गो के भारतीय कैप्टन पर जहाज को खतरे में डालने का आरोप, दावा है कि बर्थडे पार्टी के लिए वे शिप को तट के करीब लाए, जिससे तेल रिसाव शुरू हुआ। आज की सातवीं खबर, यस बैंक के शेयर में आया उछाल। बैंक ने आरबीआई को चुकाया है 35,000 करोड़, स्थिति में हो रहा है सुधार। यस बैंक में निवेश का सबसे अच्छा मौका, 400 रुपए का स्टॉक अभी 14 रुपए में मिल रहा है। आज की आठवीं खबर, चीन ने रूस ने बंद किया अमेरिकन डॉलर में व्यापार। रूस और चीन बनाया नया फाइनेंशियल अलायंस। आजवी नवी खबर, नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली, चीन द्वारा नेपाल के 7 जिलों की जमीन को हड़पने के बाद भी चुप है। आज की दसवीं खबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत और बिगड़ी, फेफड़ों में हुआ संक्रमण। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।